हाइपरथायरॉइडिज्म में थायराइड ग्लैंड जो है उसकी एक डिसीज कंडीशन होती है, किसी कारण से ये थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाए, मतलब अति सक्रिय हो जाए, और उसके कारण से ये जो हार्मोन होते हैं T3 हार्मोन और T4 हार्मोन उसका सिक्रेशन असामान्य रूप से अधिक होने लग जाए, मतलब सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, और उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसी को हाइपरथायरॉइडिज्म कहा जाता है। यदि गोइटर जो है, गोइटर का मतलब क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर एनलार्जमेंट होना, थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाना, उसको गोइटर कहते हैं। गोइटर के साथ हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन होती है तो उसे ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, और उसी को टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर कहा जाता है। हाइपरथायरॉइडिज्म जो है उसके कारण, हाइपरथायरॉइडिज्म जो है उसमें मेनली क्या होता है कि T3 T4 हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और सिक्रेशन बढ़ने का कारण जो है वो है थायराइड ग्लैंड जो है उसका अति सक्रिय होना या हाइपर एक्टिव होना, और हाइपर एक्टिव होने के ये कंडीशन जो है वो तो ग्रेव्स डिसीज जो है उसके कारण से हो सकती है। ग्रेव्स डिसीज जो होती है वो ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन होती है। 50% हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन जो है वो ग्रेव्स डिसीज के कारण से होता है, जिसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण से थायराइड ग्लैंड जो है उसमें एक तरह से इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, और उसके कारण से उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, और उसमें एनलार्जमेंट के कारण से वो सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा रिलीज करने लगती है। एक तो ये है। दूसरा थायरॉयडाइटिस की कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तीसरा कारण जो होता है वो इंटेक ऑफ थायराइड हार्मोन टेबलेट होता है। किसी को हाइपोथायरॉइडिज्म है और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो थायराइड हार्मोन जो है उसकी टेबलेट ले रहा है, तो ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन जो है उसकी टेबलेट लेने के कारण से भी हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है, या थायराइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है। एक टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर की कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर नोड्यूल्स मतलब गठाने बन जाती है, उन गठानों के कारण से भी थायराइड हार्मोन जो है इसका सिक्रेशन बढ़ सकता है। एक एक्सेसिव इंटेक ऑफ आयोडीन, आयोडीन जो है उसके ज़्यादा मात्रा में इंटेक करने के या सेवन करने के कारण से भी हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा कुछ बिनाइन ट्यूमर होते हैं या नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं, खास करके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, तो उसके कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है थायराइड ग्लैंड जो इसको स्टिमुलेट करता है, और उसके कारण से भी हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ये तो इसके कॉज जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या साइन एंड सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। इसके लक्षणों में एक तो रैपिड हार्ट बीट होता है, मतलब हार्ट बीट जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हार्ट बीट इतनी तेज़ होती है कि व्यक्ति को हार्ट बीट महसूस होने लगती है, उसी को पाल्पिटेशन कहते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज होना उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। एक फटीग जो है वो हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा थकान लगती है। इसके अलावा वेट लॉस होता है, मतलब वजन में कमी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि इंक्रीज एपेटाइट मतलब भूख जो है वो ज़्यादा लगती है। तो खाना तो ज्यादा खाता है लेकिन वजन जो होता है वो क्या होता है इसके अंदर कम होता जाएगा। एक थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है। थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ने के कारण से गर्दन के अंदर उसके सूजन दिखाई देती है। एक थायराइड हार्मोन इंक्रीज होने के कारण से इंटेस्टाइन की बोवेल मूवमेंट जो है वो भी बढ़ जाती है, और बोवेल मूवमेंट जो होती है वो बढ़ने के कारण से डायरिया मतलब दस्त लगने की कंडीशन जो है वो हो सकती है। एक हीट इंटॉलरेंस होता है, मतलब हीट जो होते हैं उसके प्रति सहनशीलता जो होती है वो कम हो जाती है। उसको हल्का सा टेम्परेचर बढ़ने पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। गर्मी ज़्यादा लगने के साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आना उसको डाइफोरेसिस कहते हैं। डाइफोरेसिस जो है वो कंडीशन हो सकते हैं। इसके अलावा नींद जो है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसको इनसोमनिया मतलब उसको नींद में कमी जो है वो भी हो सकती है। एक मसल वीकनेस होती है क्योंकि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है, और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के कारण से मसल जो है उसकी वास्टिंग होगी, मसल वास्टिंग के कारण से मसल जो है उसके अंदर वीकनेस होने लगेगी, और साथ ही उसको बहुत ज़्यादा थकान लगती है। एक स्किन जो होती है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, वार्म हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है। एक हेयर जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, और हेयर का लॉस होता है जिसको एलोपेसिया कहा जाता है। इसके अलावा इचिंग जो है मतलब बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या भी हो सकती है। एक पेरी ऑर्बिटल एडिमा जो है वो हो सकता है कि आंखों के चारों तरफ एडिमा जो है मतलब सूजन वो आ सकती है। एक कंसंट्रेशन के अंदर डिफिकल्टी हो सकती है, मतलब एकाग्रता के अंदर कमी हो सकती है। इसके अलावा कन्फ्यूजन जो है उसकी कंडीशन भी हो सकती है। एक मेमोरी जो होती है उसकी वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। एक एंजाइटी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में चिंता जो है वो हो सकता है। एक इरिटेबिलिटी जो होती है मतलब चिड़चिड़ापन हो जाएगा। पर्सन जो था वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा फीमेल के अंदर मेस्ट्रुअल चेंजेस हो सकते हैं, एमिनोरिया की कंडीशन जो है वो हो सकती है। एक ट्रीमर की कंडीशन जो होती है मतलब हाथों के अंदर कपकपी आना या कंपन होना वो भी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा यदि हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, तो उसमें क्या होता है कि आई बॉल जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, उसका प्रोट्रूजन हो जाता है, जिसको एक्सोप्थैल्मस कहा जाता है। तो ये तो साइन एंड सिम्टम जो है या क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं।
तो हाइपरथायरॉयडिज्म को डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट के अंदर मेनली थायराइड हार्मोन जो है उसका लेवल और TSH का लेवल जो है वो चेक किया जाता है। TSH लेवल जो होता है जो कि सामान्य 0.45 to 4.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है, उससे क्या होता है कम होता है। TSH का लेवल जो होता है वो तो कम मिलता है, लेकिन T3 हार्मोन T4 हार्मोन जो है उसका लेवल क्या होता है बढ़ा हुआ मिलता है। T3 हार्मोन जो इसका जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 0.71 से 180 नैनोग्राम पर dl होता है, जबकि T4 जो है उसका जो नॉर्मल रेंज जो होती है वो 0.82 से 1.77 नैनोग्राम पर dl होता है, इससे लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसको इंडिकेट करता है। दूसरा थायरॉयड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं TSI टेस्ट वो किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार की एंटीबॉडी जो होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है। ये ज़्यादातर ग्रेव डिसीज जो है उसके अंदर रिलीज होते हैं। तीसरा रेडियो एक्टिव आयोडीन जो अपटेक टेस्ट किया जाता है, जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है वो दिया जाता है, उसका अपटेक कितना हो रहा है वो चेक किया जाता है। थायराइड स्कैन जो है थायराइड ग्लैंड जो है उसकी स्कैनिंग करवाई जाती है, जिससे उसका एनलार्जमेंट जो है वो चेक किया जाता है। इसके अलावा ECG जो है वो की जाती है ताकि हार्ट जो उसकी फंक्शनिंग को मॉनिटर किया जा सके। तो ये तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसका मेडिकल मैनेजमेंट। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो एंटी थायराइड ड्रग जो होती है वो दी जाती है। ये एंटी थायराइड ड्रग जो होती है वो T3-T4 हार्मोन जो है उसके प्रोडक्शन को कम करती है। जो एंटी थायराइड ड्रग काम में ली जाती है इसमें एक तो मेथीमाजोल करके होती है, एक कार्बिमाजोल करके होती है, एक प्रोपाइल थायरोसिल करके होती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड बीटा ब्लॉकर जो है वो काम में लिए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं कि थायराइड हार्मोन बढ़ने के कारण जो सिम्टम होते हैं लक्षण उसको कम करने के लिए दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर के अंदर प्रोपेनोलोल है, एटिनोलोल है, मेटोप्रोलोल है, तो इत्यादि काम में लिए जाते हैं। तीसरा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी काम में ली जाती है। ये मेनली हाइपर एक्टिव सेल जो होती है थायराइड ग्लैंड के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो काम में लिया जाता है आयोडीन 131 जो है वो काम में लेते हैं। अगला डाइट जो है वो मैनेजमेंट किया जाता है, डाइट के अंदर मॉडिफाई किया जाता है। मेनली डाइट के अंदर आयोडीन रिच फूड जो होता है जैसा कि सी फूड जो होता है या सी वीट जो होता है उसको अवॉइड किया जाता है ताकि आयोडीन जो है उसकी मात्रा कम किया जा सके। इसके अलावा साल्ट जो होता है डाइट के अंदर मतलब नमक वो भी कम किया जाता है। तो ये तो हो जाएगा इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो। सर्जिकल मैनेजमेंट जो है उसके अंदर क्या करते हैं थायरॉयडेक्टोमी सर्जरी की जाती है। थायरॉयडेक्टोमी सर्जरी के अंदर पार्शियल रूप से या पूर्ण रूप से थायरॉयड ग्लैंड जो होती है उसको क्या करते हैं सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसके कॉम्प्लिकेशन की, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो T3-T4 हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ने के कारण से एक तो हार्ट डिसीज हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन जो वो हो सकते हैं जिसमें हार्ट का जो रिदम जो होता है वो डिस्टर्बेंस हो सकता है। एक ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो सकती है कि लंबे समय तक यदि थायराइड हार्मोन इंक्रीज रहेंगे तो बोन के अंदर जो कैल्शियम जो है वो निकल के ब्लड के अंदर आ जाता है जिससे बोन में कैल्शियम की कमी होती है और बोन जो होती है वो पोरस हो जाती है मतलब भंगुर हो जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एक थायराइड हार्मोन जो है उसका लेवल यदि बढ़ा हुआ रहता है तो उसको थायरोटॉक्सिक क्राइसिस कंडीशन कहते हैं। उसमें फीवर, टैकीकार्डिया और डेलिरियम की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा यदि थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीटेड नहीं किया जाता है और अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है तो थायराइड स्टॉर्म की कंडीशन होती है, उसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। इसके अलावा एक इनफर्टिलिटी जो है मतलब स्पर्म या ओवम जो है उसका निर्माण की प्रक्रिया कम हो सकती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो दिखाई दे सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म का नर्सिंग केयर प्लान जो है यदि आप चाहते हो तो कमेंट करना, अलग सेपरेट वीडियो के अंदर हम उसको बनाएंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।